राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक होनी है। आज से दो दिन चलेगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। तो वही बैठक में पीएम मोदी सभी सत्रों में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की अहम जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन भाषण भी देंगे। इस वक्त की अहम खबर आपको हैदराबाद से बता रहे हैं, जहां हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और ये बैठक काफी अहम होने वाली है। और इस बैठक में काफी मंत्रीगण, नेतागण और काफी गणमान्य लोग भी शामिल होंगे। आज से दो दिन चलेगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक और बैठक में पीएम मोदी सभी सत्रों में मौजूद रहने वाले हैं। तो देखिए, दक्षिण भारत पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नजर है, क्योंकि कोलकाता के बाद अब तेलंगाना दूसरा राज्य ऐसा बन जाएगा अगर वहां पर चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। और तेलंगाना में भी जल्द ही विधानसभा चुनाव है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हैदर अली जुड़े हैं, जो कि जानकारी देंगे। हैदर, अगर हम झारखंड से तमिलनाडु तक देखें तो समेत ऐसे पांच राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। दक्षिण भारत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार ये कह लीजिए, उसके लिए बड़ी चुनौती है और इसी को साधने के लिए ये कार्यकारिणी की बैठक कब तक हो रही है, क्या कुछ अपडेट है हैदर? निश्चित तौर पर पूजा, आप देखें उत्तर भारत में जिस तरह से बीजेपी ने अपनी राज्यों के अंदर सरकार का गठन किया है, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी को भुनाने का काम किया है, वो अब सीधा दक्षिण में भी साधने में लगे हैं। और यही वजह है तकरीबन 18 साल बाद कार्यकारिणी की बैठक साउथ में जाकर कर रहे हैं, वो भी तेलंगाना को चुना गया है, क्योंकि तेलंगाना में आने वाले साल में विधानसभा चुनाव है और टारगेट है साउथ में लोकसभा इलेक्शन में अच्छी पकड़ बनाना और वहां से कम बैक करना, क्योंकि वहां सीटों का आंकड़ा अच्छा खासा है साउथ के अंदर भी। दो दिन कार्यकारिणी की बैठक चलेगी बीजेपी की, जिसकी शुरुआत आज सेकंड हाफ में होने वाली है, 4 बजे इसकी शुरुआत होगी, जिसमें बीजेपी के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे और तकरीबन 350 नेता हैदराबाद में मौजूद रहेंगे इस कार्यकारिणी में। कल तक चलेगी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ कल इसका समापन होने वाला है। जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं उनके सभी सीएम भी वहां मौजूद रहेंगे और इस कार्यकारिणी की बैठक में एजेंडे दो रहने वाले हैं जिन पर फोकस बीजेपी का रहेगा। एक तो 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है बीजेपी सालों पहले ही चुनाव में लग जाती है और ये बात सच है। इस कार्यकारिणी की बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव पर तो फोकस किया ही जाएगा, साथ में जो साउथ के राज्य हैं खासकर तेलंगाना में आने वाले साल में विधानसभा चुनाव है और लास्ट विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वहां एक सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव जब हुआ था 4 सीट जीती थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जब चुनाव हुआ था बेहद अच्छा प्रदर्शन किया था। यही वजह है बीजेपी की उम्मीदें जागी हैं और बीजेपी ने तेलंगाना में बूथ लेवल पर काम करना शुरू किया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में अगले साल बीजेपी वहां अपनी पकड़ बनाने में जुटी है। और सिर्फ तेलंगाना ही नहीं, कर्नाटका में जिस तरह से बीजेपी ने सरकार बनाई, कर्नाटका के बाद अगर 4 जो राज्य हैं आसपास के जिसमें तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश शामिल है, यहाँ 120 लोकसभा सीट्स आती हैं इन सभी राज्यों से और बीजेपी का जो मेन फोकस है वो 120 सीट्स पर है यहाँ पर, क्योंकि अगर वहां से 120 सीट्स अगर बीजेपी जीतती है, 100 सीट भी अगर वहां से जीत लेती है तो उत्तर भारत में अगर सीट कम पड़ती है तो वहां से कवर हो जाएंगे। तो दरअसल बीजेपी का ये फोकस है और इसी के लिए बूथ लेवल पर तेलंगाना के अंदर बीजेपी कार्यकर्ता शामिल है और करीब एक हफ्ते से जो पार्टी के दिग्गज नेता कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हैं वो हैदराबाद पहुंच चुके हैं और सभी जगहों पर जाकर कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं और कल भी जैसे ही समापन होगा कार्यकारिणी की बैठक का, ठीक उसके बाद हैदराबाद के परेड ग्राउंड पर पीएम मोदी एक सभा को संबोधित करेंगे जिसमें तकरीबन 33,000 लोग शामिल होने वाले हैं। बीजेपी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को इसमें बुलाया गया है ताकि पीएम मोदी उनको संबोधित कर सकें। सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम रहेंगे, दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे, यानी कि कल की रैली जो होने वाली है वो महत्वपूर्ण है। साउथ की धरती से पीएम नरेंद्र मोदी साउथ को एक कल संदेश भी देने वाले हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण है ये दिल्ली से बाहर निकल। बिल्कुल हैदर, कहीं ना कहीं जो ये रैली होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण और काफी अहमियत रखती है और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो हैदराबाद को AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ भी माना जाता है, तो बीजेपी अपनी कितनी हद तक पैठ यहाँ पर जमा पाएगी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखें हैदराबाद के अंदर चाहे वो AIMIM की पकड़ काफी मजबूत है, इसके अलावा अगर हम TRS की बात करें तो TRS ने 88 सीट जीती थी लास्ट विधानसभा चुनाव में और सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी, स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। तो और
अच्छा खासा एक गढ़ ऐसा है असदुद्दीन ओवैसी का, जहां मुस्लिम आबादी है, वहां एमआईएम की काफी पकड़ भी है और वहां से वो जीतते भी चले आ रहे हैं। ऐसे में दो बड़ी पार्टियां हैं वहां पर, हालांकि विपक्ष में वहां कांग्रेस है, लेकिन जो विपक्ष की मेन भूमिका में अगर मौजूदा वक्त में कुछ नजर आती है पार्टी, तो वहां बीजेपी है। तो ऐसे में बीजेपी का फोकस जो है एमआईएम और कांग्रेस दोनों को खत्म करना है और कोशिश रहेगी कि कम से कम अगर बहुमत भी ना आए तो पार्टी इतनी सीट ले आए तेलंगाना के अंदर कि कम से कम वहां अपनी स्थिति में खड़ी हो सके और विधानसभा के अंदर विपक्ष में कम से कम बैठे। यहां पर परिवारवाद को लेकर सीधे टारगेट भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों पर करती हुई नजर आएगी। ये देखना होगा तस्वीरें कैसी नजर आएगी और किस तरह से रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। फिलहाल के लिए हैदर अली, बहुत बहुत शुक्रिया।